ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਟੇਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊ ਸੋਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ हमेशा एवरग्रीन रहा है, वीज़ा दे रहा है, लेकिन एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को जी न्यूजीलैंड की जो उसने कुछ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ वो फंडिंग को लेके हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि फंड्स कोई भी कैसे भी एजेंट्स लगा देता था, वीज़ा निकल जाता था। आज के डेट में एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है, एम्बेसी चाहती है कि जेन्युइन स्टूडेंट आए। जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब ये है जिसके पास फंडिंग सॉलिड हो, जिसमें एफडी हो या सेविंग हो या फिर जीपीएफ हो, ईपीएफ हो या फिर एजुकेशन लोन हो। और एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि कौन कौन बंदे स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के मम्मी पापा, स्टूडेंट के दादादी, स्टूडेंट के नानानी, स्टूडेंट के भाई बहन जी, और इसके अलावा अगर मैरिड है उसका स्पाउस, उसका हस्बैंड या वाइफ और उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दीज पर्सन कैन ओनली स्पॉन्सर। जो अगर फंडिंग की बात करें तो फंडिंग में एजुकेशन लोन, एफ डी, सेविंग, जी पी एफ, ई पी एफ और पी पी एफ, दीज टाइप ऑफ फंड इज एक्सेप्टेड जी। काफ़ी बच्चों के कोल सारे फंड है ने, पर बच्चों को दसिया नहीं जा रहा। उही गल भी कैनेडा अपलाई कर रहे हैं या थोड़े फंड करके रिजैक्शन आ गई, कि जोड़े बच्चों को फंड सही ने, बच्चे प्रोपर फंड जिन्हें वेरीफाई भी हो रहे हैं या फंड सफिशेंट ने, उन्होंने भी किसी न किसी कारण करके रिजैक्शन आ सकती है? देखिए एम्बेसी है, एम्बेसी डिपेंड करता है कि सारी चीज़ें एम्बेसी देखती है, जिसमें बच्चे की फंडिंग के अलावा उसकी उसकी एजुकेशन भी है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, किस कोर्स में वो जा रहा है, कोर्स रिलिवेंट है या नहीं है, बच्चे की इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, बच्चे का जो कोर्स करना चाह रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ें एम्बेसी देखती है, एक सिर्फ फंडिंग नहीं देखती, फंडिंग के अलावा ये सारी चीज़ें भी हैं जो देखती पर है। बच्चे नु डराया फंडिंग के नाम पर जा रहा है कि एक बच्चे जिमें फेसबुक जरिए बच्चे ने कॉन्टैक्ट किया 23 लाख के कहना मैं फंड जो बच्चे ने शो किए, अगर अगर इनसफिशेंट फंड की जी उन्होंने रीजन दस के रिजैक्शन दी, की कारण? देखिए हो सकता है कि उसका एक्चुअल में फंड पूरे ना हो, आपने 23 लाख बोले हों, 23 लाख वो कोई और पैसे दिखाए हों, जिसमें हो सकता हो कि उसका पोस्ट ऑफिस का पैसा हो जो आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, हो सकता है वो ग्रामीण बैंक में हो वो एक्सेप्टेबल, मतलब वो चीजें मतलब हो सकता है कि कंसल्टेंट को नहीं पता हो या कंसल्टेंट को पता हो तो स्टूडेंट कई बार जिद कर लेते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है। लेकिन अगर जो बच्चे 12th पास है, अगर वो 1.5 साल के कोर्स में जा रहा है तो 24-25 लाख के फंड दिखाने हैं, जो बच्चा 2 साल के कोर्स में जा रहा है उसको 30 लाख से लेकर 34-35 लाख के फंड दिखाने हैं, जो बच्चा ग्रेजुएट है Level 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहा है उसको 16-17 लाख के फंड दिखाने हैं। अगेन मैं बताना चाहूंगा जिसमें एजुकेशन लोन अगर कोई दे रहा है, स्टूडेंट दिखा रहा है, तो वो हेड ऑफिस से वेरीफाई होगा। कीप इन माइंड कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट, कोई फाइनेंसर आप स्टूडेंट का एजुकेशन लोन कराता है तो वो फंसेगा। तो सिर्फ एंड सिर्फ जेन्युइन एजुकेशन लोन जो कि हेड ऑफिस से वेरीफाई हो, कोलैटरल सिक्योरिटी जो दिखाई गई हो वो उसके डॉक्यूमेंट पूरे हों, एविडेंस पूरे हों, उसकी सी ए वैल्यूएशन रिपोर्ट हो एम्बेसी से, उसे कॉलेज से, अपना बैंक से वो सर्टिफाइड हों, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एफडी है, सेविंग है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो जीपीएफ, पीपीएफ, और वो भी डिपार्टमेंट कितना लिख के दे रहा है जी, वो सब चीज़ें चलती हैं यार। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये किसी का भी हो सकता है, आम पब्लिक का भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का भी हो सकता है। तो ये फंड्स हैं जो एक्सेप्टेबल है, और अगर इसके हिसाब से आप फाइल लगाते हैं तो डेफिनेटली चांसेस है। हाँ, इंटरव्यू आ सकता है, विदाउट इंटरव्यू वीज़ा लग सकता है जी। बच्चा अज कन्फ्यूज़ है एडवरटाइजमेंट करके आ, काफ़ी बच्चे जिन्हें 6 बैंड आ गए, परसेंटेज 60% तो उपर है +2 के, वो बच्चा कैनेडा भी जा सकता है, आस्ट्रेलिया भी जा सकता है, न्यूजीलैंड भी। बच्चों को दसाया जा रहा है, पहली गल तो यही कही जा रही कि न्यूजीलैंड बंद हो गया, आस्ट्रेलिया बंद हो गया, तुम कैनेडा अपलाई कर दो, भीड़ की भीड़ एक कैनेडा अपलाई कर रही, वीज़ा भी आ रहे हैं, रिजैक्शन भी आ रही, हर तरह का पक्ष है। पर तुसी की देखते हो बच्चे का फ्यूचर अज कित्थे है? वो बच्चा जड़ा 20-25 लाख के फंड्स भी शो कर सकता, वो आस्ट्रेलिया अप्लाई करे, न्यूजीलैंड करे, या फिर उही गल कि कैनेडा चले जाओ? काफ़ी बच्चे ये दसा जाता 10-12 लाख का खर्चा कितने 20-25 लाख के फंड शो करोगे, तुसी फ्यूचर बच्चे का कितने? देख कुलदीप जी, तीनों कंट्री बहुत डेवलप्ड है,
ठीक है, मैं अगर कनाडा को बुरा नहीं बोल सकता, कनाडा बहुत बढ़िया कंपटीशन की तरह कितने बच्चे जा रहे हैं आज की डेट में, 10 में से 8 बच्चा जा रहा है कनाडा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, वो फंड दिखाने नहीं है, 6 पॉइंट लेने हैं, बच्चा फाइल लगाएगा, वीजा लग रहा है। मैंने अपने बच्चों को, अपने भतीजों को भी वहीं भेजा है जी, बट मेरे अपने रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया भी बैठे हैं, न्यूजीलैंड भी बैठे हैं, अभी इसी वीक में मेरे एक भतीजे की फ्लाइट न्यूजीलैंड की भी हुई है। डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किधर जाना चाहता है। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो पहले हम बच्चे को देखते हैं, बच्चे के पेरेंट्स को देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, वो कहाँ जाना चाहते हैं, फिर हम देखते हैं, असेस करते हैं कि बच्चा कनाडा जाना चाहता है। अगर हो सकता है तो ठीक है जी, आप कनाडा जाइए, पर्टिकुलर किस कोर्स में जाना चाहते हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर मेरी ड्यूटी बनती है बींग ए कंसल्टेंट, बींग ए करियर काउंसलर, इट्स माई ड्यूटी टू स्टूडेंट्स को बताना कि भी वो कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वो वहाँ की प्रोफाइल उसकी वीक है, देन इट्स माई ड्यूटी कि मैं उसको बताऊँ कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं या न्यूजीलैंड जा सकते हैं, यूरोप की किस कंट्री में जा सकते हैं। तो ये ड्यूटी मेरी है, क्योंकि मैं इस बिजनेस का एक सोल्जर हूँ, और वो सोल्जर हूँ जो मतलब एक पूरी देशभक्ति के साथ चलाता हूँ मैं इस अपने बिजनेस को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मेरा बिजनेस है वो बिजनेस है जिससे मुझे मेरी रोटी चलती है, मेरे बच्चों का खाना पीना चलता है, मेरी फैमिली चलती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें किसी भी स्टूडेंट के साथ दगा ना करूँ, मैं वो चीज़ करूँ जो हो सकती है, मैं वो चीज़ बताऊँ जो स्टूडेंट्स के करियर के लिए, क्योंकि एक बच्चा अगर वीज़ा लगता है, बच्चा सेटल होता है तो 1000 को बताता है, एक बच्चा अगर रिजेक्शन आता है, उसके साथ फ्रॉड होता है, तो 1,00,000 को बताता है। तो ये चीज़ें मुझे तो समझ में है, मुझे पता है इस चीज़ का, मेरी ये फैमिली बिजनेस है, मेरी फैमिली पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं स्टूडेंट को बताऊं जो स्टूडेंट एग्जैक्टली चाहते हैं। अगर वो नहीं होता तो मैं बोलता हूं, बेटा तू यहां नहीं जा सकता, तू यहां जा सकता है, या नहीं तो यहां जा सकता है। सो खुद भी कोशिश करया करो, रिसर्च की जाए, गूगल से सर्च की जाए, वक्ो वक्रे जड़े कंसल्टेंट्स ने, माहिर ने, जिन्होंने तुम इस मंच जरिए देखते हो या होर काफ़ी जड़े जरिए ने, उन्होंने द्वारा तुम मिलते हो, उन्होंने उन्होंने को सवाल पूछ सकते हो, सारिया चीज़ा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कॉलेजेस नू मेल कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज नू मेल कर सकते हो। खुद होमवर्क जरा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वैस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप जी मेरे नाल ने कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, उन्होंने भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, नंबर वार बार फ्लैश किया जा रहा है, वैस्टर्न ओवरसीज 172 फेसबुक पेज जरिए जुड़ के भी तुसी हर तरह का स्टूडेंट वीज़ा संबंधी सवाल पूछ सकते हो, हर तरह के डाउट कन्फ्यूजन नू दूर कर सकते हो। वो बच्चा जरा हूँ कैनेडा अप्लाई करना चाहता जनवरी के लिए, कि अजय थोड़ा उन्होंने को टाइम बचे कि बच्चा रिलैक्स हो जाए, जो हूँ तो ही उन्होंने अप्लाई करना नहीं, रिलैक्सेशन का कोई टाइम नहीं है। अगर जो बच्चे अपना जेन इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से एफर्ट्स करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा स्टूडेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो कनाडा जाना चाहता है, नॉर्थ इंडिया के पूरे इंडिया की अगर बात करें तो कनाडा बहुत बच्चे पिछले जो 2-3 इनटेक देखिए काफ़ी बच्चे गए हैं, तो सीटें कंटिन्यूसली फिल होती जा रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करिए, अगर आपका आइल्स आपने डेट बुक कर ली है तो आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करिए, अगर आपका सारी कंडीशन फुलफिल है तो आप वेट एक दिन भी मत करिए, आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई करिए। आप जिस डिजायर्ड, जिस डेस्टिनेशन पे या जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, अगर टाइम पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका ऑफर लेटर मिल सकता है, अगर आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस कोर्स से, उस कॉलेज से वंचित रहना पड़े, किसी और कॉलेज या किसी और कोर्स में आपको अप्लाई करना पड़े। तो प्लीज़ जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि सीटें डे बाय डे फिल होती जा रही हैं। सो कनाडा अप्लाई करना चाहते हो, न्यूजीलैंड अप्लाई करना, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो, फिर दसांगा नंबर फ्लैश किया जा रहा है, वैस्टर्न ओवरसीज नाल कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, 24 घंटे जी एक्सपर्ट की टीम थोड़ी सेवा के पिछले। प्रदीप जी को मिलना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लैके मिलया जा सकता है, टाइम लैके तुम अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की जी जानकारी तुहानू मुहैया कराई जाएगी। सो काफ़ी बच्चे जोड़े थोड़े को आते हैं, अच्छ बच्चा ऑस्ट्रेलिया लैके भी कन्फ्यूज है, कैनेडा बच्चों के घट बैंड ने या घट परसेंटेज ने, मार्केट के की देख रहे हो, कि बच्चा ज़्यादा कन्फ्यूज है, या कोई खास चीज़ डिस्कस करनी चाहो जी अच्छ बच्चों समझ नहीं आ रही। कुलदीप सर, एक बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, स्टूडेंट मतलब बाहर जाना चाहता है बट वो सेल्फ स्टडी नहीं करता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अजय भी वो कमी और है। वो हाँ या और वो शॉर्टकट की तरफ जाता है, मतलब अगर 10 बंदों ने एक चीज़ को ना बोला, किसी एक ने हाँ बोल दी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करके कि 5 बैंड पे 5.5 बैंड पे और लेस स्कोर के साथ अगर आप कनाडा जा सकते हैं, कंफर्ट लेवल जो बाहर नहीं निकलना चाह रहा, मेहनत नहीं करना चाह रहा, वो बच्चे अप्लाई करते हैं 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए ठगी के साथ, फिर बोलते हैं कि अब अकल आई है। तो मैं सिर्फ यही चीज बोलना चाहूंगा, आप कनाडा जा सकते हैं 5.5 बैंड में, लेकिन आपकी परसेंटेज 75, 70, 80, 85 मतलब मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छी हो और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, डेफिनेटली देर इज द चांस फॉर गेटिंग द वीजा। बट अगर इफ यू हैव द 5 और 5.5 बैंड और साइमल्टेनियसली आपके सिर्फ 50% 55
55% 59% बिलो 60 है और फिर आप सपना देख रहे हैं कि आपका कनाडा का वीज़ा लगेगा, तो बहुत अच्छी किस्मत अगर आपने लिखवा के लाए हो तो कोई एक 100 में से एक निकल सकता, अदरवाइज सारे के सारे रिफ्यूज़ल होंगे। और मेरे को कम से कम रोज़ 40-50 बच्चे डेली मिलते हैं मुझे, या मेरे को कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि भैया मेरे साथ ये हो गया, भैया मेरी कोई सा ठगी होगी, मेरे 2 लाख मर गए, मेरे 3 लाख मर गए, मरेंगे। फिर मुझे गुस्सा बड़ा आता है ऐसे स्टूडेंट्स पे कि भाई जब इतने बड़ा मतलब अलग अलग चैनल से हम सब जाते हैं आपको, फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती जब आप शॉर्टकट मारते हो, रिस्क लेने की कोशिश करते हो, रिस्क लेके फिर पता लगता है कि आप उस कंट्री में दोबारा जाने के आपके चांसेज ही कम हो जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? तो हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप रिसर्च करके निकलिए, घर से आप निकलना है, एक अच्छे चंगा स्कोर लेके आइए। अगर आपको आयल्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो वेस्टर्न इज हेयर जो आयल्स में बहुत अच्छा कर रही है, आपको जो डिजायर्ड स्कोर है वो आपको दिलाएगी, क्योंकि हमारे पास IDP और BC के सर्टिफाइड ट्रेनर है जो रियली आप पे हार्ड वर्क करते हैं। डेली आपको ट्वाइस मॉड्यूल कराएंगे, 8 घंटे की आपको पढ़ाई कराएंगे, डेली होमवर्क मिलेगा और एक रिपोर्ट कार्ड डेली तैयार होता है जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, किसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक्चुअलिटी में आपको मिरर दिखाया जाता है। तो इस चीज़ का फायदा उठाइए दोस्तों, मार्केट में सब ठगनी है, कुछ अच्छे बंदे भी हैं, तो प्लीज़ मैं आपको सिर्फ थोड़े में ही ज़्यादा समझो कि प्लीज़ एक बार आइए, सेवा का मौका दीजिए, आपको खुद पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है। जी शुक्रिया, धन्यवाद सर शो दे विच आने लई। कोई भी सवाल तुहाडे जहन दे विच वेस्टर्न ओवरसीज़ नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर बार बार फ्लैश किया जा रहा है, साड़ी भी कोशिश रहिंदी कि सही जिहड़ा रस्ता दिखाया जाए, तुहाडे सवाल जिहड़े चंद कु मिंट दा समय उन्हां दा जवाब लिया जाए। कोई भी सवाल रह जांदा है इस नंबर दे उत्ते कॉल करके वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 फेसबुक पेज नूं लाइक करके इनबॉक्स दे विच तुसीं मैसेज छड्ड सकते हो, जानकारी लै सकते हो। कोशिश करा करो, खुद रिसर्च करो, खुद सारी चीज़ां वेरीफाई करो, उस तो बाद ही अपलाई किया जावे। सो शो नूं खत्म करते हैं, मैनूं यानी अपने दोस्त कुलदीप ने दो आ गया, धन्यवाद, सत श्री अकाल। Thank you.